भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने बीजेपी के साथ में अपने पत्ते तो नहीं खेले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पुराने याद जरूर दिला दी है। दीपेंद्र हुड्डा पर करारा कटाक्ष करते हुए अजय ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन टूट चुका है, सोरेन जेल चले गए और बाकी सब कुछ अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के ईडी सीबीआई के डर और दबाव के आरोपों पर अजय चौटाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि उसने सीबीआई का कितना गलत इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कांग्रेस को पुरानी याद दिलाई। दीपेंद्र हुड्डा पर करारे कटाक्ष करते हुए अजय ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन टूट चुका है, सोरेन जेल चले गए और बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के ईडी सीबीआई के डर और दबाव के आरोप पर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि उसने सीबीआई का कितना गलत इस्तेमाल किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी और हर नेता सक्रिय हो चुके हैं। बात करें हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी की, तो जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अजय चौटाला खुद या फिर दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अजय चौटाला बीते कुछ दिनों से अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात तो कही, पर सीटों को लेकर पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि चुनाव होने पर दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि कौन कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बिखरते इंडिया गठबंधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि सोरेन जेल जा चुके हैं और बाकी दल भी अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। वो जो इंडिया बनाया था वो तो अलग अलग हो गया, IMBI ये सब। अब कहीं ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने की बात कर गए, नीतीश छोड़ करके चले गए, भगवंत मान अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सोरेन कल रात को जेल में चले गए। वहीं कांग्रेस के बीजेपी पर बार बार ईडी सीबीआई का विपक्षी दलों पर दबाव और डर बनाने के बयान पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कांग्रेस को पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस भूल गई क्या उसने सीबीआई का कितना गलत इस्तेमाल किया था। फिर कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र काम कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सीट पर जेजेपी की दावेदारी से साफ इनकार किया। कांग्रेस भूल गई इस बात को कि उसने सीबीआई का कितना मिसयूज किया था। एजेंसी स्वतंत्र काम करती है, अपना काम करती है। डॉक्टर अजय चौटाला ने हरियाणा कांग्रेस की सक्रियता पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस पहले अपना संगठन तैयार करे, कांग्रेसी कहीं एक जगह नहीं बैठ सकते। 10 साल में 3 अध्यक्ष और 5 प्रभारी बदले पर संगठन नहीं बना। साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी अजय चौटाला ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जीत हार का फैसला जनता करेगी, दीपेंद्र कैसे कर सकते हैं। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते। वो लोग भी सौपन देख रहे हैं सत्ता में आने के। लोकसभा चुनाव की जंग में नेताओं की जुबानी जंग जारी है, जिसको लेकर भले अजय चौटाला ने सभी पत्ते ना खोले पर कांग्रेस पर पलटवार और दीपेंद्र पर करारे कटाक्ष जरूर किए हैं। भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।